हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे और एकदम आपकी पढ़ाई बिंदास तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। वो कैसी है? जो कि आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी है किसी भी संख्या में, वो ट्रिक के साथ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और आपको सीख कर एकदम बेहतरीन अनुभव करेंगे। क्या ट्रिक बताइए, ठीक है? तो जैसे कि हम आपको दो तरीके बताएंगे, एक अपना बेसिक वाला और अपना एक ट्रिक वाला, और आप देखेंगे कि किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है और समझाने के तौर पर थोड़ा टाइम लग सकता है, और जैसे आप समझ जाओगे तो आप एकदम सेकंडों में उसका आंसर निकालोगे। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली ये, और हम 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सादा हम जैसे गुणा करते हैं उसी हिसाब से करो, 4 3 5। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 5। ये करने के बाद इसका हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमने इसका बेसिक जो गुणा होता है वो कर लिया, ठीक है? अब ट्रिक के कैसे करते हैं, ट्रिक के साथ, जैसे कि हमारे पास संख्या थी ये, ठीक है? अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, हम इनको इन डेट को इन अंकों को पहचानेंगे। देखो सबसे पहले हमारा पहला अंक है, उसे हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ये इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसमें फिर ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें कोई कैरी है नहीं है तो इसमें सादा इसमें हम ये जोड़ लेंगे, तो ये हमारा आंसर कैसे निकले आया, 5874, और 5874 बेसिक किया तो ये आंसर आया, और ये किया तो तब भी ये आंसर आया। मतलब ट्रिक के साथ कर रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है, और बेसिक्स कर रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है। अब देखो ये समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, मैं आपको अब फास्ट तरीके से करता हूँ कि आप भी सीख जाओगे, और आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी जल्दी से जल्दी आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है? जैसे कि हम कोई संख्या और ले लेते हैं आपको एक बार रिविंग कराने के लिए, ये हमने संख्या ले ली, ठीक है? और 11 का इससे मल्टीप्लाई करें किस तरीके से, हमने क्या बताया था, सबसे पहले 5 इसमें ऐड करेंगे, ये 9 हो जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे कितने, 7 हो जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे 11 हो जाएंगे। अब इसमें एक कैरी हो गई, 11 में एक कैरी लगती है तो 8 हो गए 9, तो इसका आंसर तुरंत निकल आया। तो आई होप आपको ये कैसे ये वीडियो लगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, ताकि इससे रिलेटेड और आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे।